हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, कुछ बातें उनके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियोस महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, सिर्फ स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हो। क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करने के दौरान अगर आपको ना समझ में आए तो अगर आप डाउट्स भी पूछो तो बार बार पूछने पर वो टीचर भी इरिटेट हो जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। थर्डली, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी डाउट्स हो तो आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे अगर आप एंड तक देखो तो वीडियो। और लास्टली, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के थोड़े नीचे जाइए और राइट हैंड साइड में एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स, और वो मैथमेटिक्स कुछ नहीं बल्कि एलजेब्रा का है और वो टॉपिक है सेट्स। ओके, सो सेट्स बेसिकली आपके लिए काफ़ी नया चैप्टर होगा 9th स्टैंडर्ड में होकर। मैं आप लोगों को इस टर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा और कुछ एक प्रैक्टिस सेट भी हम इस वीडियो में कवर अप हो सके तो वो भी कर लेंगे। लेकिन चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि टेक्स्ट बुक में अगर हम रेफर करें, ओके, सभी अपनी टेक्स्ट बुक खोले मैथ्स पार्ट वन का, तो उसमें सबसे पहले पेज नंबर 1 पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखे कि फ्लावर बॉकवेट, ओके, फ्लावर बॉकवेट, फिर बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स एंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। जैसे कि अगर मैं साधारण एग्जाम्पल होता है कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन का मतलब होता है जो फिक्स रहता है, जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। जैसे कि अभी डेज ऑफ द वीक आइदर कंसिडर, देखो डेज ऑफ द वीक में क्या होता है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये सारे दिन होते हैं, तो ये फिक्स होता है। So that is what is a perfect example for this concept. तो हम months of the year ले सकते हैं, काफ़ी सारे का अगर हम number के तौर पर ले सकें तो planets in our solar system, फिर कुछ numbers ले सकते हैं जैसे कि natural number, whole number, odd number, prime number, फिर basic examples है days of the week और months of the year के अलावा color of the rainbow, okay, sounds of sargam. सरगम का मतलब किसी को पता नहीं होगा तो मैं लिखता हूँ सरगम, ओके, सारे गामा पादा निसा, ओके, ये सब फिक्स होते हैं, इसमें कोई ऐसा एडिशनल हम अपना डाल नहीं सकते जैसे डेज ऑफ द वीक मंथ्स ऑफ द ईयर सरगम में, ओके। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस कंसेप्ट। सो बेसिकली मैं कुछ अभी मैं एक सीरियस एक्सप्लेन इस कंसेप्ट को एक अनदर मोड पे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि देर आर टू टाइप्स, मतलब इसमें टू टाइप्स है। पेज नंबर 2 लीजिए, उसमें कुछ एक टू टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में लिखा है, ओके। सो मैं सबसे पहले लिखता हूँ टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग सेट, इसका भी एक तरीका होता है कैसे लिखना है। जैसे कि ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ सेट्स कैसे लिखा जाता है रिटर्न फॉर्मेट। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर कि ए इज ए एलिमेंट, जो ये भारी एलिमेंट होता है, जो एक नंबर होता है, जैसे कि मैं अभी फर्स्ट वाला ही देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो एन लिखा, ये क्या, इसे क्या कहते हैं सेट। नेचुरल नंबर क्या, इसे सेट, जैसे मैंने डेज ऑफ द वीक बोला था या मंथ्स ऑफ द ईयर, ये क्या शॉर्ट में डिनोट हो गया, ओके। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे कि देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग वाला, ओके, नेचुरल नंबर।
तो हमने कैसे एक डिटेल टॉपिक दिया, आप देख सकते हो मैंने एक बोलते हैं ना, ये इसको सेट बोलते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं ये इसका एक ये होता है, कंसिस्ट होते हैं कि क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स होते हैं एग्जैक्टली, तो ये होता है सेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सेट। ओके सो सब उसके बाद अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जरा देखते हैं, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ राइटिंग सेट्स, फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, और यू कैन इवन से रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ओके मैं सबसे पहले लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे जिन्हें अगर दो टर्म में से कोई एक टर्म इजी लगे वो यूज कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा लिस्टिंग मेथड, काफी इजी है, रोस्टर मेथड भी बोल सकते हो। ओके इन शॉर्ट अगर आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी उसमें भी दो टाइप दो मतलब में निकाला जाए, तो मैं एल आर लिखता हूँ, तो कैसा होगा एल स्लैश आर। ओके सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल होता है, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इन दिस मेथड वी राइट इन द कर्ली ब्रैकेट। ओके तो इसमें नॉर्मली ऐसा है कि अगर किसी ने अगर इधर नेचुरल नंबर की बात की कि नेचुरल नंबर लिखो 1 to 15 तक, ओके ओके नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 तो कैसे लिखोगे, लिस्टिंग मेथड एकदम सिंपल मेथड होता है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होती। इसका जो दूसरा मेथड होता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब मैंने थोड़ा सा कम कर्ली ब्रैकेट दिया, ओके 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके तो ऐसा लिखा जाता है, इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रूस्टर मेथड। ओके इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ओके समझे ना तुम लोग मतलब कैसे लिखना है, मतलब ये एक सेट होता है, ये इसका एक टाइटल होता है, जैसे हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे या कॉम्पोजिशन लिखते हैं तो उसमें कैसे होता है, टाइटल लिखते, सब्जेक्ट लिखते, टाइटल लिखते, उसके बाद जैसे कि कोई रेनी सीजन के बारे में लिखना होगा तो हम रेनी सीजन लिखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, इसे डायरेक्ट शुरू नहीं करते, ठीक उसी तरह सेट में भी हम एक टॉप एक टाइटल की तरह लिखा रहता है, शॉर्ट में लिखते हैं। ओके ये है लिस्टिंग मेथड और रूस्टर मेथड, उसके बाद है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये काफी मेन और इम्पोर्टेंट टाइप है सेट में व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मेट ऑफ सेट, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके रूल मेथड, इस वर्ड से आप लोगों को एक एनर्जेटिक आता एनर्जेटिक वर्ड लग रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जेटिक वर्ड लग रहा है, रूल मेथड और सेट बिल्डर एकदम इंट्रोडक्टरी लग रहा है। ओके तो इसमें कैसे होते, देखो ये अब पेज नंबर 2 ले लीजिए, इसमें लिखा है कि इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और अ कोलन, वर्टिकल लाइन और कोलन, ओके वर्टिकल लाइन और कोलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। एग्जाम्पल देखो कैसा लिखे, ए अभी देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देखता, तीन टाइप में होते हैं। ओके इसका देखो जैसे आप लोगों को था ना, मैं प्राइमरी स्कूल के अभी दिनों प्राइमरी स्कूल का ही एग्जांपल दे, तो जैसे कि ऐसा, ओके अगर तुम लोगों को राइटिंग फिगर्स राइटिंग वर्ड्स का एग्जांपल हो, ठीक उसी तरह जैसे कि ऐसे लिखोगे 200 and 242। ओके ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों ने 242, अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो आप ऐसे लिखो, वाइस वर्सा। ओके ठीक इसी तरह इसमें भी है, अभी ये ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ओके ओके तुम लोग काफी कंफ्यूज हो जाओगे देख के, पर डोंट वरी मैं अभी एक्सप्लेन करूँ आप लोग समझ जाओगे। इसमें कैसा लिखे, ये होता है सेट, इसको हम लोग को ये स्प्लिट अप करना है, इसको एक एक्सप्लेनेशन मोड पे लिखना है, जैसे कि देखो सेट
A, set A is a set of all x such that x is a natural number between 1 to 1 and 10. ओके, इसका एक फुल फॉर्म है, जैसे मैंने बताया ना, ये एकदम सिंपल एग्जांपल है, मैंने जस्ट आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल दिया। अब इसमें देखो, ये सेट है, मैंने बोला था ये सेट है, एक टाइटल है, एक हाईलाइट है। ओके ओके, इसमें कैसे लिखें, सेट ए इज, ये जो इसका तो पता है, इज सेट ऑफ ऑल एक्स। ओके, सेट ऑफ ऑल एक्स का मतलब ये सेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ओके, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ओके, ये ऑल एक्स होता है। ओके, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन, ये जो एक लाइन है इधर, इसे क्या कहते हैं, सच दैट, रुको मैं थोड़ा रब करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा, मतलब रूल मेथड हो, ये वाला रूल मेथड है, मैं जरा रब कर रहा हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं सेकेंड टाइप सिखा रहा हूँ। ओके, अभी देखो ये है सेट, इसे कहेंगे सेट ए, इसका कोड वर्ड क्या है, इज सेट ऑफ ऑल एक्स। ओके, इसको क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर कोई भी एक लेटर देंगे तो भी चलेगा, अगर एन देंगे तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, सेट ऑफ, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये कोडेड वर्ड है, एक कोडेड वे में लिखा गया। ओके, इसे कोडेड वे में लिखा गया। ओके, तो हम इसका सिर्फ एक बोलते हैं डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सेट ए इज सेट ऑफ एक्स। ओके, इसका क्या होगा, इस साइन का मतलब क्या होगा, सच दैट, ओके, जो एक स्ट्रेट लाइन में एक ऐसे स्लैश जैसा है या स्ट्रेट स्लैश जैसा है, उसको क्या बोलते हैं, सच दैट, ओके, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ओके, ये क्या है, जो एक ये साइन का मतलब क्या है, इज, ओके, इज अगेन इसकी तरह मींस, इसके साथ एक जो देखो इसमें देख रहे, एक्स इज नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, मैंने बताया था ये शॉर्ट में बोलते, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये साथ में इसके लिए लिखा गया, तो कैसे लिखोगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एन डब्ल्यू आई, डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, आई का मतलब होता है इंटीजर्स, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखने, कभी कभी हमें यहाँ लिखते तो यहाँ लिखा गया। ओके, सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नंबर, ओके, बिटवीन, ओके, एक्स इज अ नेचुरल नंबर कॉमा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर वन, ये वन नंबर है, तुम लोग ये समझो मत, स्लैश, ओके, नेचुरल नंबर बिटवीन, अभी ये क्या हो रहा है, ये साइन का मतलब क्या होते हैं, बिटवीन। ओके, जब तुम लोग इक्वेशन में टू वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स करते हो तो ठीक उसी तरह होता है, तुम लोग को थोड़ा कॉमन सेंस डालना होता है, इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए इज अ सेट ऑफ एक्स वर्टिकल लाइन सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन, ओके, बिटवीन वन एंड टेन, एक और दस के बीच में, ओके, बिटवीन वन एंड टेन। ओके, अंडरस्टूड, मैं एक और एग्जांपल दे, जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करेंगे ना, जैसे एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं, हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो हम और क्लियरली समझ जाएंगे। ओके, डोंट वरी। ओके, तो मैंने समझा दिया, इस ये कोडेड वर्ड है, ओके, और ये है डिकोडेड वर्ड। ओके, कभी कभी हम लोग डिकोड में देते हैं, हमें कोड करके लिखना रहेगा। ओके, सपोज मैं अभी इधर मैं रफ कर रहा हूँ, ओके, आपके पास ये सब कुछ है। ओके, इक्वल्स टू का इज होगा, ये सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये सेट स्ट्रेट लाइन है सच दैट बोलते हैं। ओके, और ये दो कनेक्टेड था, अभी कैसे लिखे देखो, सेट ए इज इतना हुआ, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स
सच दैट का साइन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर मतलब ये फिक्स है, x इज अ नेचुरल नंबर मतलब इन लोगों ने दावे के साथ बोला, इसके लिए ये साइन डाला है, ये साइन इस्तेमाल किया, x इज अ नेचुरल नंबर कॉमा बिटवीन 1 एंड 10, बिटवीन 1 एंड 10, ओके समझे तुम लोग इस तरीके से। कभी कभी आप लोगों को इस तरह फॉर्मेट में देंगे, कभी कभी इस फॉर्मेट में देंगे, आप लोगों को कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ये सॉल्व करना होगा। ओके तो मैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, मतलब अगर आप लोग समझे तो थोड़ा एक थोड़ा पीछे जाइए इस वीडियो के और थोड़ा दोबारा से देख लीजिए। ओके तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। मैं जरा रब कर रहा स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। देखिए अभी पेज नंबर 3 में आप देख रहे हो जो अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर एक टेबल है, उसके ठीक ऊपर एक है रूल मेथड और सेल बिल्डर फॉर्म। ओके जैसे कि मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ए इज अ ए और वो एक्स। ओके ये देखो अभी देखो इसका मैं ये करके बताता हूँ रूल मेथड में, रूल और लिस्टिंग। ओके इज अ लेटर ऑफ एक्स, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। ओके रूल मेथड में दो तरीके से होता है, मैंने क्या कहा था कोडेड कोड में और डिकोड में होता है। ओके ऐसा नहीं होता लिस्टिंग में, वही सेम तरीका। अभी इसमें देखो लिस्टिंग में कैसा बताया गया, देखो लिस्टिंग में मैं बता रहा हूँ इधर ए इतना ही और उसके बाद जो वर्ड है डिवीजन। अभी देखो डिवीजन में कैसा है, देखो मैं डिवीजन का वर्ड लिख रहा हूँ, सेट में कैसा है डी वी। ओके कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, रिमेंबर हम लोगों ने पिछले टाइम देखा, पिछले पेज में देखा था रिमेंबर का वर्ड। देखो अभी इसमें देखो कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो हमें सेट में रिपीट नहीं करना है वर्ड्स का, क्योंकि डी है एक ही बार, आई दो बार रिपीट हो रहा है नहीं, वी एक ही बार, एस ओ एन, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही लिखने का है एक ही बार, वी आई एक बार रिपीटेड है एक ही बार लिखना है, वी फिर एस ओ एन। ओके इतना ही लिखना है, हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक ही बार वो लेटर को लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। अभी देखो डी आई डी एस ओ एन, जो ये दो आई है ये कैंसिल ऑफ होंगे, एक ही बार इस्तेमाल होगा। ओके सेकेंड वाला देख लीजिए, बी इज अ सेट ऑफ वाई, बी इज अ बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच एज वाई इज अ नंबर दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 9, ठीक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया गया है रूल मेथड में, हमें लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखना है। ओके मैं जरा बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, चाहे तो बी। ओके ये ऐसा वाला है पूरा लिखा गया, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, मतलब टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हो। देखो बी अभी देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब स्क्वायर के रूट इसमें कैसे लेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके अंडरस्टैंडिंग, एक 3 होगा पॉजिटिव वाला और एक 3 होगा नेगेटिव वाला। ओके इसमें ऐसा होता है सेट में हमेशा याद रखो, अगर 25 रहा समझो आप लोगों को कैसा लिखना है, जब आप सेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे 3 और नेगेटिव 3, 3 माइनस 3 लिखोगे, 3 3 जा 9 ही हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ओके अभी देखो 525 का भी एग्जांपल देंगे तो कैसे होगा 5 5 25, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो जब ये एक सेट देंगे तो एक सेट लिखा रहेगा सपोज ए लिखा रहेगा तो 5 और नेगेटिव 5। अंडरस्टूड। ओके तो मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी हद तक आप लोगों के डाउट भी क्लियर होंगे, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो पेज नंबर 3 रेफर कीजिए। ओके रिमूव पेज नंबर 3। मैं रब आउट कर रहा हूँ इसे।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट कर रही है प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, इस चैप्टर का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सम नंबर क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रूस्टर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म काफी इजी है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर बेसिकली लिखा गया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। आप लोग अभी चाहे तो इधर कुछ बताया नहीं कि कौन सा सेट दे, मैंने कहा था एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट दे देता, आप लोग ए कंसिडर करके आप लोग ब्रैकेट दे सकते। सेट ऑफ इवन इवन नंबर्स होते हैं टू के टेबल्स। ओके, मल्टीपल्स ऑफ टू। तो इधर कुछ दिया नहीं गया है कि कितना तक लिखना है हमें, तो हम डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 और खत्म, नेवर एंडिंग। ओके, तो इवन नंबर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, अभी ये वाला काफी इम्पोर्टेंट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था इवन नंबर्स, सेकंड अब पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, ओके, इवन प्राइम नंबर्स का मतलब होता है इवन नंबर्स बेसिकली टू का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ। ओके, प्राइम नंबर होते हैं विच डजंट गो इन एनी टेबल। ओके, ये समझने की कोशिश करनी है। अभी देखो इवन, अभी देखो मैं टू का टेबल लिख रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, sorry, 14, 16, 18, 20, ऐसे बहुत सारे इधर लिखा गया 1 to 50 तक। बेसिकली अभी प्राइम नंबर्स इसमें बेसिकली हमें देखने हैं कि 1 to 50 तक ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं जा रहा। ओके, प्राइम इवन मल्टीपल्स ऑफ टू में ऐसा है कि टू छोड़ के बाकी सारे नंबर्स सभी टेबल में जा रहे हैं, जैसे 2, 2, 4, 3, 2, 6। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद के टू के बाद जो भी नंबर्स है टेबल मल्टीपल्स ऑफ टू सारे सपोर्ट ले रहे टू से, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8, 5, 2, 10, 6, 2, 12, 7, 2, 14, 8, 16, 9, 2, 18 एंड सो ऑन। ओके, सो सिर्फ टू है जो सिर्फ वन के टेबल में जा रहा है, 2, 1, 2। तो इसका आंसर इजी है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हम बी ले सकते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करके सिर्फ टू लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी नंबर्स है, ओके, 50 तक जो भी नंबर्स है वो सपोर्ट दे रहा है टू, सिर्फ टू ही अकेला है जो किसी टेबल में नहीं जाता। ओके, थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि हम सी ले सकते हैं एज सेट, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स मतलब शुरू होता है माइनस, -1, -2, -3। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने तक लेना है, तो इसमें भी आप लोग अनप्रेडिक्टेबली ऐसा लेना 5... हो गया। ओके, जस्ट एक डॉट डालने और फिनिश हो। ओके, तो दिस आर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और उसके बाद 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम तो आप लोगों को पता है, सा रे गा मा पा दा नी। ओके, सा रे गा मा पा दा नी, 7 सुर। ओके, तो ये भी इजी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ओके, अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये साइन के बारे में, इस साइन के बारे में कि ये फिक्स रहता है या बिलोंग होना किसी चीज से। अभी देखो इसमें क्वेश्चन है 4/3, ये साइन है और क्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो 4/3 और ये दोनों फिक्स है, ये दोनों बिलोंग्स, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, इसे कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था राइटिंग फिगर 242
इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे या इस वर्ड को हम फिगर में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐसा ही है। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, ओके। या फिर अगर इस तरीके से देते तो क्या होता, 4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था इसे कट किया गया और ना, ओके। तो इसमें कैसा लिखा है देखो, -2 डज नॉट बिलोंग टू एन, या फिर लिख सकते हैं आप एन नेचुरल नंबर भी है, या फिर और एन एक लेटर भी हो सकता है, एन एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, तो हम नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, ओके। द -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, इजी है। मतलब बिलोंग है, इसका मतलब होता है बिलोंग या फिक्स, ये दोनों फिक्स है, ओके। कभी कभी हम सेट का ये देख रहे हैं फॉर्मेशन किस तरीके से उसका डिकोड या कोडिंग करते हो कि इस साइन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो सिमिलरिटी ये बस एक बेसिक्स है क्वेश्चन में आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पी इज इक्वल्स टू पी ऑड नंबर, ओके। इसे किस तरीके से लिखेंगे, इसे हमें ऐसे लिखेंगे 242 बेसिक इसमें, ठीक। इसी तरह पी इज अ सेट ऑफ ऑल पी, क्या होता है ये सेट ऑफ ऑल पी, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट पी इज एन ऑड नंबर, ओके, इजी है। उसके बाद राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, ओके, दोनों क्लासिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है ए, सेट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, ओके, सेट ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। पहले सेंटेंस को समझते हैं, एक स्क्वायर्स के बारे में बताया, स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स मतलब 2 2 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसी तरह इसे कहते हैं स्क्वायर्स। और नेचुरल नंबर तो अपना 1 से शुरू होता है, 1 1 2 3 4 5 वही। तो अब हमें कैसे लिखना है इसमें, देखो सबसे पहले क्या लिखे हैं इसमें, लिस्टिंग मेथड, ओके। लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे, ओके, ऐसे लिखेंगे, इसमें ए लिखा है, ओके, ए डिनोट की, ए इज अ लिस्टिंग में कैसे ले, ए इज अ लिस्टिंग मेथड में आराम से लिखेंगे बिंदास, इसमें कैसा लिखना है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो इजी है। सबसे पहली बात, 1 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25, ओके, टिल कितना तक बोला भी है, इस लोग ने 5 बोला, 1 2 3 4, ओ सॉरी 5 बोला है, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, एंड 5 5 25, 5 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अगर हम इसे रूस्टिंग रूल मेथड में लिखेंगे तो कैसा होगा, रूल मेथड में कैसा लिखा है, उसके बाद आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पी इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 20, एक रूल मेथड का भी एग्जांपल ले लेते इसमें से, ओके। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, ओके, इस तरीके से रूल मेथड में लिखना है, ओके। और उसके एक सेकेंड है,
ओके अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। राइट द फॉलोइंग काफी इजी है। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड काफी इजी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर क्या होता है? नॉर्मली जो जनवरी फरवरी है उसको इंडियन सोलर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? चैत्र, वैशाख, फिर इसे क्या मैंने पेपर में लिखा है, ज्येष्ठ, अष्टादश, श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फिर ये पौष, पौषा भी बोल सकते हो आप लोग, माघ, फाल्गुन। ये सब एकदम सिली क्वेश्चन है, ज़्यादातर आते नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ओके सो ये काफ़ी फनी लगता है इसको प्रोनाउंस करने में। ओके सो जो भी वेनाकुलर मीडियम्स के उन लोग तो और अच्छे से इसे कहते होंगे। ओके सो मैं तो काफ़ी इंग्लिश मीडियम के लेवल का हूँ तो मैं ये सब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वीक हूँ। ओके लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखो अभी हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करना है जिसमें अगर एक लेटर दो से अधिक एक से अधिक बार एक लेटर दो से अधिक बार रिपीट हो रहा हो तो हमें उसे एक ही बार लिखना है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट का कैसा होगा, देखिए इसमें एम रिपीट हो रहा है, सी ओ एम पी एल, ई भी रिपीट हो रहा है। ओके सी ओ कैसे बनेगा, सी ओ एम पी एल ई एन टी। ओके तो एक ही बार रिपीट करना है, अगर दो बार होंगे या तीन बार होंगे तो उसको एक ही बार हमें लिखना है सेट के इसमें डिस्टिंग मेथड में। उसके बाद है सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गेन्स ऑफ अ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग कोई ह्यूमन बींग का सेंसरी ऑर्गेन्स सबको पता है। ओके द सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गेन ऑफ अ ह्यूमन बींग तो आप लोग ले सकते हो आईज, नोज, ईयर्स, स्किन। ओके तो ये सब लिख के कॉमा डाल के आप लोग ये लिख सकते हो। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके उसमें क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो किसी टेबल में नहीं जाते। एज इन फॉर एग्जाम्पल 1 to 20 तक लिखा गया है तो आते 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19 ये सारे नंबर्स जाते हैं। 20 तक दिया इसीलिए, अगर 20 तक नहीं दिया होता तो अनलिमिटेड डॉट 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 करके लिख देते। फिर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वो भी ईजी है, आप लोग लिख सकते हो। फिर रूल मेथड के बारे में आप लोगों से बात करना था। रूल मेथड बेसिकली क्या होता है, रूल मेथड में फर्स्ट है मैं पूरा नहीं लिख रहा इसमें। देखो क्या देख रहे हो आप लोग, ये सब मैं पिछले अभी मैंने कुछ मिनट पहले कुछ डिस्कस किया था। तो ये क्या है, स्क्वायर्स। ओके तो कैसे लिखोगे, इसमें दो कोड में लिखना है कि ऐसे लिखना है। देखो x is a set of all s such that x is a square of first 10 natural numbers। okay ये natural numbers है, कुछ predict नहीं किया तो हमें natural numbers लेना। okay first 10 क्यों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numbers हैं squares के, तो इस तरीके से लिखना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूल मेथड में, इसकी जगह ये फिर एन स्क्वायर लेना है। एन स्क्वायर का मतलब एक नंबर होगा, नंबर इसको नंबर डिनोट करते हैं, एन स्क्वायर, एंड एन इज अ नेचुरल नंबर क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट्स 1 से लेके एक एन है 10, ये फिक्स है। बिटवीन नहीं, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका और इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है बिटवीन और ये क्या होता है, एकदम फिक्स रहते हैं। ओके ओके ये काफी फिक्स रहते हैं, 1 से 10 तक ही नंबर चाहिए। ओके बीच में नहीं, 1 से 10 तक जितने भी स्क्वायर्स है वो लिखने। ओके रब आउट कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सम है बी, जिसमें 6 के टेबल है, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 8, 48 तक है। ओके 48 तक है तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ओके इसमें 6 के टेबल से तो स्टार्टिंग के 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 दिए गए, तो कैसे लिखोगे रूल मेथड में, x इज अ सेट ऑफ x, ओके सच दैट इज अ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स
ऑफ 6, ओके इज द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 का टेबल ऑफ स्टार्टिंग का 8, स्टार्टिंग 8 टेबल्स लिए गए हैं 6 के, ओके और इसको अगर एक कोडेड वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखें, एक्स इक्वल्स टू इसकी जगह, और अभी एन स्क्वायर लिया था हम लोगों ने स्क्वायर्स में, इसमें कैसे लें 6n, ओके और जो n नेचुरल नंबर है या एज इट इज, और n 6 8, मतलब कंपलसरी 8 ही लेने, ओके समझ गए। उसके बाद नॉर्मल सम्स है, उसके बाद है उसके बाद ये नहीं लेना, ये सिर्फ ये नेचुरल नंबर स्क्वेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, काफ़ी हद तक हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं अगर कोई लेटर्स के बारे में बात चले, जैसे कि ये थर्ड सम में SMILE स्माइल, इसमें आप लोगों को ये देखना है कि एक ही लेटर एक ही बार, काफ़ी तीन बार अगर लेटर्स रिपीट हो रहे तो एक ही बार लेना है, तो कैसे एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, स्माइल का वर्ड देखो SMILE, इसमें दो वर्ड्स बन जाए स्माइल और एक माइल भी हो सकता है MILES, दो वर्ड्स हो सकते हैं ठीक। उसी तरह फोर्थ सम में संडे मंडे ट्यूजडे मैंने ये क्या डेज ऑफ द वीक, एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ डेज ऑफ द वीक, इजी है। और इसमें क्या है लास्ट सम में ए ई और टी, इसमें दो वर्ड्स हो सकते ईट और टी, ओके तो कैसे लिखोगे वाई इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वो साइन सच दैट वाई इज द लेटर इन द वर्ड ईट और टी, ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आगे के प्रैक्टिस सेट में दूसरे वीडियोज में आप लोगों को बताने वाला हूँ, सो अभी मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने, और वीडियो को बहुत ज़्यादा ही प्यार आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, सबसे पहली बात तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।